पिछले दिनों ₹5500 करोड़ के कामों का उन्होंने शेयर किया, क्या मानते हैं आप? सुनने वाले ऐसा जो परिवार है, ऐसा जो पीड़ित परिवार है जो लूटे जा रहे हैं, हमारे यहाँ डिंडोरी आज बड़े ज्ञान प्रस्तावित है, आज बड़े बांध प्रस्तावित है, पहले भी आधी डिंडोरी जिले की आबादी उजड़ जाएगी। हम लोग कानून के माध्यम से संबंधित पंचायतों के माध्यम से हम लोगों ने बांध को लेकर जो है हम लोगों ने बांध को निरस्त करवाया है और उसकी सूचना माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति को जो है हम लोगों ने पूर्व में ज्ञापन दिया और आज भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आपके नेता लोगों का कोई योगदान नहीं है, सांसद विधायक? देखिए कहीं ना कहीं सभी लोगों की सहमति पूर्व में रही होगी, हम लोग विकास के विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ जो जो विस्तार होने वाले जो परिवार है उन परिवारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। निश्चित ही विकास होना चाहिए, परंतु हम ये चाह रहे हैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, इस प्रकार से बरगी बांध जो है उस बरगी बांध से लगभग सतना रिवर तक जो पानी जो पहुंचता है वहाँ लगभग उनकी जो दूरी है कम से कम भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो 300 किलोमीटर के आसपास में, परंतु अगर डिंडोरी जिले का यदि अगर विकास करना है तो डिंडोरी और बरगी डैम की जो दूरी है लगभग 120 और 130 किलोमीटर के आसपास में, तो वहाँ से नहर निकालकर आपके हर 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के अंदर में बांध पड़ रहा है। एक सोलापुर प्रस्तावित है, दूसरा नागोपुर मरवारी में, फिर उसके नीचे मंडला में बसनिया में, उन्होंने बता पे जो उद्गम स्थल से इसमें नजदीक स्थल पे जो पड़ रहे हैं तो क्या इसका परिणाम होगा? देखिए इससे क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि जो ये डिंडोरी जिले की जो पहचान है, आदिवासियों की जो पहचान है, उनकी संस्कृति जो की पहचान है, वो तो सब मिट जाएगी। और अधिकतर जो यहाँ मैं जिस हिसाब से मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो मौसम विभाग है उस मौसम विभाग का जो रिपोर्ट है यहाँ समान अनुपात में यहाँ वर्षा होती है और दोनों फसल ये रबी की फसल और खरीफ की फसल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होती है, वो उत्पादन से ज्यादा जो जो सरकार के जो आंकड़े हैं उस सरकार के आंकड़ों के अनुसार अपन देखें जो खरीदी जो की जाती है उससे ज्यादा कहीं अनुपात में यहाँ धान का उत्पादन होता है, गेहूँ का उत्पादन होता है। तो मैं समझता हूँ डिंडोरी के जो किसान है किसानों के लिए बड़े स्तर पर बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे जो रिजल्ट मिला है 5 करोड़ है यहाँ सम्मान से लेकर सबसे और उजड़ने वाले भी कौन किस तरह से विकास हो रहा है, कौन किसका दुश्मन है, कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का जो है स्थापित होने वाले परिवार स्थापित होने वाले परिवार के प्रति उनका कहीं ना कहीं उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। हम माननीय जो विधायक है, विधायक जी को भी हम लोगों ने इससे पूर्व सूचना दिया था, उन्होंने ज्ञापन दिया है। हम लोग तो संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाले लोग हैं, आपके जो जी जो हमारे जैस के जो राष्ट्रीय जो संरक्षक है डॉक्टर हीरा लाला जी ने उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपने सत्र में जो है उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उनके बातों को निराधार कर रही है, उनके बातों को अवहेलना कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रक्रिया टेंडर हो गया है, पैसा आ गया, काम शुरू होने वाला है, आप लोग क्या करोगे? देखिए हम लोग जो है संवैधानिक रूप से जो है हम लोग प्रशासन के बीच में पहुंचकर हम अपने तथ्य रखेंगे और हमें अगर अगर यदि अगर भारत एक जो लोकतांत्रिक जो देश है, यदि अगर वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर यदि अगर उनकी आस्था है या संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यदि अगर व्यवस्था संचालित होती है तो निश्चित मैं कहूँगा कि हम भी जो है पेशा कानून के अंतर्गत जो है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही हम लोग बांध इतने बड़े पैमाने पर ये हमारे डिंडोरी जिले के जो विस्थापन होने वाले लोग हैं उनको हम लोग जरूर बचाएंगे और बांध जो है हम लोग बनने नहीं देंगे।